एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मतलब चिंता और निराशा, यह बहुत आमतौर पे कॉमन बीमारी लोगों में दिखाई देती है, जिसमें लोगों को छोटी छोटी बातों की चिंता रहती है और उनको निराशा आती रहती है या डिप्रेशन महसूस करते हैं। ठीक नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, बेचैनी लगती है, कभी रोना आता है, फिर कभी सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो जाता है, ऐसा लगता है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, नींद कम हो जाती है, ऐसे न्यूरोटिक डिप्रेशन रहता है। और कुछ लोगों को एंग्जाइटी रहती है, चिंता है, चिंता भविष्य की रहती है, भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, या कुछ बॉडीली सिम्टम्स है, मतलब बदन की बीमारी है उसके बारे में चिंता है, पेट दर्द कर रहा, आंखें दर्द, सिर दर्द, ऐसा उनको दर्द होते रहता है। अतीत के बारे में जब सोचते हैं तो निराशा, और फ्यूचर के बारे में सोचते तो चिंता, ऐसे इसमें लोग लगे रहते हैं। तो चिंता और डिप्रेशन, इसके बारे में सम्मोहन का उपचार जो है वो कैसे करना है, तो वो सेशन अभी मैं आपको देने वाला हूं। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, तो आपको जब सेशन लेना है तो आपने आराम कुर्सी पे बैठना है, रिलैक्स बैठो, दीवार के पास में बैठेंगे तो अपना जो सिर है वो पीछे ऐसा टेक के बैठो, और हाथ ऐसे करना है, हाथ पैर के ऊपर रखो, पैर जो है उसकी कैंची मारो पैरों को, और कैंची मार के ऐसा रखो, पूरा बदन रिलैक्स, कमरे में अंधेरा, थोड़ा सा लाइट रखना हल्का सा, मोबाइल बंद, आजू बाजू में से कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं, इस तरह का शांत वातावरण। और मैं जो बार बार तीन शब्द बोलूंगा उसका मीनिंग आपको बता रहा हूं। एक बार बार मैं बोलूंगा रिलैक्स, उसका अर्थ होता है शिथिल करना, ढीला करना, पूरा बदन ढीला करना। मैं बोलता हूं बार बार स्लीप, स्लीप मतलब सोना। तो जब मैं स्लीप ऐसा बोलता हूं तो कल्पना करना है कि अपन गद्दी पर लेटे लेटे सो रहे हैं, ऐसी कल्पना करना है। और मैं बोलता हूं डीप, तो डीप इसका मतलब गहरा, अंधेरा, तो डीप मतलब आप गहरी गुफा में अंदर अंदर जा रहे हैं और आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, ऐसी कल्पना करना है। तो रिलैक्स, स्लीप और डीप, इस तरह के शब्दों में बार बार दोहराऊंगा। फिर बाद में मैं 1 से 10 तक गिनती करूंगा, और फिर बाद में सूचनाएं दूंगा, जो मैं सजेशंस या सुझाव दूंगा वो सुनना है और अपने जीवन में अपने व्यवहार में लाने के हैं। और जब मैं सुझाव दूंगा तो सुनना है और वैसा विजुअलाइज करना है। समझो मैं बोल रहा हूं कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो आपने आत्मविश्वास बढ़ा हुआ व्यक्ति कैसा दिखेगा वो अपने आपको देखना है कि भाई मेरा आत्मविश्वास बढ़ा तो मैं कैसा दिखूंगा, कैसा चलूंगा, कैसा बोलूंगा, ऐसा देखने का है। जब मैं ऐसा बोलूंगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है, तो इस तरह का वो विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन वो करने का है। आंखें बंद और रिलैक्स बैठो, पूरा ख्याल मेरी आवाज की तरफ दो, दूसरी कोई भी आवाज सुनने की नहीं है, दूसरी कोई भी आवाज की तरफ ध्यान देने का नहीं, पूरा बदन रिलैक्स 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 करो, पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए, पैरों के पंजे रिलैक्स करो, पंजे रिलैक्स हो गए, घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स हो गए, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया, कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई, पेट रिलैक्स करो,
पीठ रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया, कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, पूरा सिर रिलैक्स करो, सिर रिलैक्स हो गया, पूरा चेहरा रिलैक्स करो, पूरा चेहरा रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, पूरा बदन रिलैक्स, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो। मैं अभी एक से दस तक गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। एंड नाउ स्लीप, 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 डीप, एक दो, गो डीपर एंड डीपर, तीन स्टिल डीप, चार स्टिल डीपर एंड डीपर, पांच स्टिल डीप, छः, सात, आठ, गो डीपर एंड डीपर, नौ स्टिल डीपर, दस, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। मैं अभी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूं, वह सूचनाओं का अच्छी तरह पालन करना है। सूचना अपने रोज के जीवन में, रोज के व्यवहार में अपनाने की है। सूचनाओं के साथ में आपने विजुअलाइज करना है, अपने आप को देखना है, वैसा सीन अपने आंखों के सामने लाना है। रोज रात को आपको गहरी गहरी नींद आते जाएंगी, सुबह उठने के बाद में दिन भर आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, उत्साहित लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा। आप कल्पना करो कि आप सुबह उठे हैं और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट है, एनर्जेटिक है, उत्साहित है, बहुत जबरदस्त, बहुत वंडरफुल आपको लग रहा है, ऐसा आपने कल्पना करना है। कल्पना करो कि
कि आप सुबह उठे हैं और बहुत जबरदस्त लग रहा है, अच्छा बहुत खुशियां हैं। रोज रात को आपको गहरी गहरी नींद आते जाएंगी, सुबह उठने के बाद में बहुत ही फ्रेश फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, उत्साहित लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा। कल्पना करो कि बहुत उत्साहित और एनर्जेटिक लग रहा है। रोज रात को आपको गहरी गहरी नींद आते जाएंगी, सुबह उठने के बाद में बहुत ही फ्रेश फ्रेश लगेगा, उत्साहित लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा। कल्पना करो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है, उत्साहित लग रहा है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, कोई भी काम आप कर सकते हो ऐसा अपने आप को देखना है, बहुत रिलैक्स है, विचार सकारात्मक है, सकारात्मक विचार आ रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी काम करने की ताकत है, इच्छा है। जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, लग रहा है। अभी मैं आपको कल्पना करने के लिए बोल रहा हूं कि आप एक गुब्बारे में बैठे हैं, बहुत बड़ा बलून है, उसमें बैठे हुए हैं। बलून के बाहर एक व्यक्ति है कि जो आपकी डुप्लीकेट है, आप जैसे ही आपकी डुप्लीकेट है, और वो व्यक्ति बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत खुश है, कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वासु है, डेयरिंग वाला है, कुछ भी साहसी है, कुछ भी काम कर सकता है, ऐसा व्यक्ति है। वो बाहर खड़ा है, आप कल्पना करो, और वो अभी खिड़की में से वो अंदर बलून में, गुब्बारे में, फुगे में अंदर आने वाला है। कल्पना करो वो अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ गया, वो आपके पास में आ गया, और वो व्यक्ति मतलब आप ही डुप्लीकेट जो है, एकदम पावरफुल इंसान है, उसने आपके बॉडी में प्रवेश कर लिया और आप एक नए इंसान बन गए उसके जैसे, वही बहुत ही पावरफुल, बहुत आत्मविश्वास, बहुत उत्साही, एक्शन ओरिएंटेड, एनर्जेटिक, बहुत जबरदस्त। आप एक नए इंसान बन गए कि जो कुछ भी कर सकता है, कॉन्फिडेंस है, खुशी है, कोई भी चीज का सामना कर सकता है, कुछ भी समस्या आती तो उसका सामना करेगा, उसको फेस करेगा। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, ऐसा अपने आप को देखो, क्या समस्या आ रही है आप सामना कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है सामना कर रहे हैं, देखो अपने आप। वैसे इंसान आप बन गए हो, बहुत बढ़िया। विजुअलाइज करो अपने आप को, देखो मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूं, वो उसमें आपने कल्पना करनी है अपने आप की। मैं 3 से 1 तक उल्टी गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती कम कम होते जाएंगी वैसे वैसे आपकी संभावना अवस्था धीरे धीरे खुल जाएगी और आपको जाग आ जाएंगी। जाग आने के बाद में आपको फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, उत्साहित लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा, बहुत जबरदस्त लगेगा। 3, 2, 1
उठो, जाग जाओ, आंखें खोलो, आंखें खोलना है, रिलैक्स बैठना है। आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी ये ऐसी जो प्रक्रिया है ये दिन में 4 बार करनी है, और हर बार विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ सूचना देके आप पावरफुल नहीं बनेंगे, सिर्फ सूचना देके आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। आपको कल्पना करने की, आप आत्मविश्वास बन गए, आप एक्शन ले रहे, ऐसी कल्पना करना है। जो थॉट आ रहे बुरे थॉट्स, फालतू के विचार आ रहे, आने दो। वो विचारों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे विचार आ रहे विचार जाएंगे। आपने सिर्फ इतना ही करना है कि पॉजिटिव विचार डालना है, पॉजिटिव अफर्मेशन अंदर डालना है। जितने भी बुरे विचार है आने दो, जैसे आए वैसे जाएंगे, चिंता नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसकी प्रैक्टिस करो 4 बार। थैंक यू वेरी मच।